हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आप सभी का। लॉकडाउन के अंदर यदि आपके बच्चे आइसक्रीम के लिए जिद कर रहे हैं तो मैं लेकर आई हूँ आइसक्रीम की रेसिपी, वो भी घर में पड़े हुए चीज़ों से बनाना बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले गैस ऑन करके एक पतीली रखेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 गिलास दूध। 400 ग्राम, ग्राम्स में देखें तो दूध है। इसे बॉयल होने देंगे। ये बॉयल हो रहा है तब तक हम लेंगे एक कटोरी, और यहाँ पे हमने लिया है गेहूँ का आटा। गेहूँ के आटे में से 2 चम्मच आटा हम इस बाउल के अंदर डालेंगे। तो ये 2 चम्मच हमने आटा ले लिया है। इसमें 4 चम्मच हमने दूध ऐड करना है और इसे एक घोल तैयार करना है लम्स फ्री। तो आप देख सकते हैं इसे अच्छा से हमने घोल लिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच और दूध ऐड करूँगी मैं, और इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो ये घोल बिल्कुल रेडी है, मिक्स हो चुका है। चलिए दूध देख लेते हैं। दूध यहाँ पे गर्म हो चुका है, उबल चुका है, तो अब इसके अंदर एक घोल हम डाल देंगे। ध्यान रहे दूध उबलने के बाद ही हमें डालना है। तो ये आटे का घोल हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे चलाते हुए हमें 7 से 8 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से चलाते हुए हमें कंटिन्यू पकाना है। तो ये अब इसमें थिकनेस आने लग गया है, 6 से 7 मिनट हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड करें, मैं 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आइसक्रीम थोड़ा मीठा ही चाहिए, तो इसमें हमने चीनी ऐड कर दिया है। चीनी ऐड करने के बाद हमें इसे 4 से 5 मिनट तक और पका लेना है, उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। तो चलिए गैस ऑफ करके इसे ठंडा होने देते हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब लेंगे एक मिक्सी जार। मिक्सी जार में इसे ऐड करके और हम थोड़ा सा इसे मिक्सी में घुमा लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मिक्सी में घुमा लिया है हमने। अब एक बाउल लेंगे, उसके अंदर इसे डाल देंगे और इसे कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। अब एक बिस्किट लेंगे, एक बिस्किट का पॉकेट हमने लिया है, ये ओरियो का बिस्किट है। इसे हम निकाल लेंगे बिस्किट को, और इसे हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं बिस्किट का, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने बिस्किट का टुकड़ा कर लिया है, और बचे हुए यहाँ पे 1-2 बिस्किट है उसको बारीक मैश कर लेना है। इस तरीके से हाथों से कर लें, या अदरक कूटने वाला जो होता है उससे भी आप मैश कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से। हमें सिर्फ इसे बारीक मैश करना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसे बारीक कर लिया है। चलिए 2 घंटा हो चुका है, अब इसे हमने फ्रिज से निकाल लिया है, और एक बार इसे और मिक्सी में हमें घुमाना होगा। तो आप देख सकते हैं मिक्सी में अच्छा से हमने घुमा लिया है, इसमें झाग भी आपको दिख रहा होगा। अब इसे इस बॉल में डालकर और ये टुकड़ा जो किया हुआ है बिस्किट, उसको हम इसमें ऐड करके मिक्स कर देंगे। ज़्यादा देर तक हमें मिक्स नहीं करना है, एक बार घुमा लेना है। ये मिक्स हो चुका है, तो चलिए आप जिसमें आप इसे आइसक्रीम को बनाना चाहते हैं, गिलास, स्टील का गिलास हो या इस तरीके का कप हो, कुछ भी हो, या आपके पास आइसक्रीम का मोल्ड हो, जो भी चीज़ हो उसमें आप इसे बना सकते हैं। तो मैं इस तरीके के कप में बना रही हूँ। यदि चॉकलेट ही आपको बनाना है इसे, तो आप चॉकलेट को मेल्ट कीजिए और जो ग्लास है उसके अंदर आप अच्छा से चारों तरफ चॉकलेट को लगा दीजिए, और 5 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। उसके बाद निकालकर इसमें ये घोल फिल कीजिए, फिर जमा दीजिए इसे। तो ये बिल्कुल ऊपर से आपको चॉकलेट का कवर दिखेगा आइसक्रीम के ऊपर। ये जो बारीक किया हुआ है ना, जो बिस्किट का जो हमने बारीक चूरा बनाया था, उसको हम इस तरीके से एक आइसक्रीम के डिब्बे में फिल कर देंगे ऊपर से। अब इस तरीके से आप किसी डब्बे के अंदर रखकर कवर करके इसे फ्रिज में जमा सकते हैं, या आप फॉइल पेपर से कवर करके जमा सकते हैं, या आपके पास कोई प्लास्टिक है तो उससे कवर करके रबड़ लगा के जमा सकते हैं, जिस तरीके से आप जमाना चाहें। तो आप देखिए 8 घंटे बाद इसे मैं फ्रिज से निकाली हूँ जमाने के बाद, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है आइसक्रीम। चलिए निकाल कर दिखाती हूँ आपको। तो इस तरीके से थोड़ा हाथ से प्रेस करते हुए, रगड़ते हुए हम इसे
गरम कर लेंगे, फिर इसे निकालेंगे इस तरीके से घुमाते हुए। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है ना, और उतना ही टेस्टी लगता है जब आप खाएंगे। तो ये बिस्किट जो है ना बिल्कुल क्रंची क्रंची लगेगा आपको आइसक्रीम के साथ। और ये जो ऊपर से हमने यहाँ पे फिल किया था वो वाला आइसक्रीम है, थोड़ा बाहर रखने से ये पिघलने लग गया है, पिघलना स्टार्ट हो चुका है। तो दोनों आइसक्रीम आप देख सकते हैं हमने इसे किस तरीके से बनाया है, बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं। तो ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।